हाल ही में हमने देखा कि कैसे रणवीर सिंह की 83 फिल्म नहीं चली। आलम यह है कि थिएटर्स को फिल्म को हटाकर पुष्पा और स्पाइडरमैन दिखानी पड़ रही है। सबसे बड़ी बात, ये दोनों फिल्में 83 से पहले रिलीज हुई थी और आज भी बॉक्स ऑफिस पर रिटर्न दे रही है, लेकिन 83 ने तो दम ही तोड़ दिया। ऐसे में थिएटर से ये फिल्म उतर चुकी है और अब रणवीर सिंह को एक और नया झटका लगा है। रणवीर सिंह के टीवी शो को भी बंद करने की घोषणा कर दी गई है। ये बंद इसलिए नहीं हो रहा है कि शो का टाइम पूरा हो गया है, इसीलिए हो रहा है कि शो चला ही नहीं, शो फ्लॉप साबित हुआ। द बिग पिक्चर करके रणवीर सिंह का एक शो आया था, अक्टूबर महीने में ही इस शो को लॉन्च किया गया था जोर शोर से और काफी कुछ रणवीर सिंह की ब्रांडिंग पर भी खर्च किया गया। ये शो शुरू तो हुआ लेकिन पॉपुलैरिटी गेन ही नहीं कर पाया। कितने ही गेस्ट को बुलाया गया इस शो के लिए और इसकी हाइप बनाए रखने के लिए, लेकिन फिर भी TRPs नहीं बटोर पाया और पैसा नहीं आया इस शो से। यही कारण है कि अब प्रोड्यूसर्स और ज्यादा डूबना नहीं चाहते, इस शो को बंद करने की घोषणा कर दी है। दिसंबर में ही ये शो बंद होने जा रहा है, यानी कि सिर्फ 3 महीनों में शो के बंद होने की बात कर रहे हैं। हाल ही में इस शो में गोविंदा भी आए, यानी कि शो की TRPs बूस्ट करने के लिए ये सब भी करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद शो ऑडियंस को इम्प्रेस करने में फेल हुआ। मेकर्स ने इस बात को कंफर्म किया है कि हाँ, ये शो बंद हो रहा है, लेकिन उन्होंने रीज़न ये दिया है कि नागिन जो सीरियल है उसका 6th सीजन आ रहा है, इसीलिए इस शो को बंद किया जा रहा है। ताज्जुब की बात है कि रणवीर सिंह जो इतनी बड़ी ब्रांड है, इतनी फिल्मों में काम कर चुके हैं, फैन फॉलोइंग इतनी लंबी चौड़ी है, उनका शो एक दूसरे टीवी शो से रिप्लेस हो रहा है, तो हम समझ सकते हैं कि नागिन टीवी सीरियल की ब्रांड वैल्यू टीवी पर रणवीर सिंह से ऊंची है। तो जिस तरीके से कई बार टीवी एक्टर्स को डिग्रेड किया जाता है ये कहकर कि तुम तो टीवी के हो, तुम फिल्मों में कहाँ चलोगे, वहीं फिल्मी एक्टर्स के लिए भी फिर ये बात लागू होनी चाहिए कि तुम लोग तो बड़े पर्दे पर करो, टीवी पर तुम्हारा क्या काम।